हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने रिलीजन के ऊपर ऑलरेडी दो पार्ट क्रिएट कर दिए हैं, वीडियो अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाएं, वीडियो उसको जरूर देखें। पार्ट वन में मैंने रिलीजन का मीनिंग, नेचर, उसका सॉरी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन बताई है, और पार्ट टू में मैंने रिलीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स बताई हैं। आज ये पार्ट थ्री रहेगा। इसमें मैं आपको रिलीजन के सोशल फंक्शंस बताऊंगा कि रिलीजन के सोशल फंक्शंस क्या होते हैं। अगर कोई बंदा रिलीजन को मानता है तो सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन क्या होंगे, सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन क्या होंगे, व्हाट आर द सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक जरूर किया करें मेरी मोटिवेशन के लिए। अगर वीडियो समझ आती हो आपको अच्छे से तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को मेरी वीडियोस रेफर जरूर किया करो, ताकि हम लोग जो हैं वो भी यूट्यूब पे नए हैं, हमें कोई इतना जानता नहीं है, हम लोग प्रमोट हो सके और हमारी वीडियोज़ हर किसी के पास पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। तो अगर मैं रिलीजन के सोशल फंक्शंस की बात करूँ तो रिलीजन के कुछ सोशल फंक्शंस भी हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है रिलीजन का वो है सोशल इंटीग्रेशन। रिलीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए, सोसाइटी को इकट्ठा करने के लिए। रिलीजन क्या करता है, उसका मेन पर्पज़ ये है कि सोसाइटी में लोगों को आपस में एक साथ लेकर आना, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने, इंट्रैक्शन इस्टेब्लिश करने लोगों में। तो सोशल इंट्रैक्शन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिलीजन। पीपल्स हु बिलोंग्स टू सेम रिलीजन, दे वो क्या करते हैं, दे ऑर्गेनाइज रिलीजियस फंक्शंस, दे ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीटिंग्स, दे गो फॉर डूइंग द वर्शिप कलेक्टिवली टुगेदर, एंड अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अराइज अमंग द पीपल। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी कि कैसे रिलीजन लोगों को इकट्ठा करता है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो सारे इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठी पूजा भी करेंगे, मंदिरों में भी इकट्ठा जाएंगे, जो जगराता होता है वो भी इकट्ठे करेंगे। तो कहने की सोशल इंटीग्रेशन, लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ रिलीजन। दूसरा जो रिलीजन का फंक्शन है सोशल, वो है सोशल कंट्रोल। मेरे दोस्तों, सोशल कंट्रोल का मतलब होता है, सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, और कंट्रोल का मतलब कुछ कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना। तो सोशल कंट्रोल का मतलब है जब सोसाइटी अपने लोगों को कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है उस काम को करने के लिए, रोकती है, कंट्रोल करती है। तो जो सोशल, जो रिलीजन है उसका एक सोशल फंक्शन ये भी है कि रिलीजन हमारी सोसाइटी में लोगों को कंट्रोल भी करता है। मैंने सोशल कंट्रोल के ऊपर पार्ट वन पार्ट टू बनाए थे, उस पर मैंने सोशल कंट्रोल के एजेंट्स बताए थे आपको। सोशल कंट्रोल करने में कौन भूमिका निभाता है, किसकी हेल्प ली जाती है, लॉज की, एजुकेशन की, प्रोपेगेंडा की, उसमें एक था हमारा रिलीजन। रिलीजन की हेल्प से भी हम सोशल कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सोशल कंट्रोल का मतलब लोगों को कंट्रोल करना। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ तो हिंदू धर्म के हिसाब से मुझे पता है कि मैंने जो है कुछ काम नहीं करने, स्पेसिफिक कुछ काम है मेरे धर्म के अनुसार, मैं वो नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल हो जाऊँगा अपने आप। कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है वो, तो उसे पता है मुस्लिम धर्म में हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेगा, वो उसे वो रिलीजन कंट्रोल कर रहा है। मेरे धर्म के अनुसार हमें पता है कि अगर लड़का लड़की से शादी करता है उसको 7 फेरे लेने पड़ेंगे, लड़का जो है वो लड़की को अर्धांगनी मानेगा, उसको मारेगा नहीं, तो ये उसे टॉर्चर नहीं करेगा। तो एक व्यक्ति कंट्रोल तो हो रहा है इन चीज़ों से, अर्थात जो हमारा रिलीजन है वो लोगों को कंट्रोल करता है, सोशल कंट्रोल में बहुत भूमिका निभाता है। लेकिन साथ ही तीसरा एक और फंक्शन भी है सोशल रिलीजन का सोसाइटी में, वो ये है कि रिलीजन की वजह से सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट भी होता है। सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, एक तरफ लोगों को रिलीजन इकट्ठा करता है, दूसरा डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच आपस में कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। हमें पता है कि जब एक सोसाइटी में सभी धर्मों के लोग रहते हैं तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स आना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। व्हेन द पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन दे कम टुगेदर, मैनी टाइम दे स्टार्ट टू फाइट विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजन। वन से माई रिलीजन इज सुप्रीम, अदर से हिज रिलीजन इज सुप्रीम। बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट मैनी टाइम राइट्स टेक प्लेस, दंगे हो जाते हैं।
बहुत बार लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, वो आग लगा देते हैं गाड़ियों में, वो रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं कि हमारा रिलीजन खतरे में पड़ रहा है और हमें उसको बचाना है। मेरा मतलब बोलने का क्या है कि जहाँ पे रिलीजन का सोशल फंक्शन है लोगों को इकट्ठा करना, वहीं पे रिलीजन एक काम ये भी करता है कि लोगों के बीच लड़ाइयाँ भी डलवाता है और कन्फ्लिक्ट भी लोगों के बीच होते हैं। प्लीज़ जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, ये किसी को भी हर्ट करने के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट से, अगर आप आपकी पर्सनल कोई आपकी पर्सनल फीलिंग हर्ट होती है, तो आई फील सॉरी फॉर दिस इन एडवांस। आप कभी भी इन पॉइंट्स को जो है वो मन के साथ ना लिए, हमारे स्टडी के पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं पेपर में, ठीक है जी। तो रिलीजन की वजह से कन्फ्लिक्ट भी होते हैं। अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आप लिख सकते हो सोशल रिलेशनशिप। जो रिलीजन है वो सोसाइटी में रिलेशनशिप लेकर आता है, लोगों को आपस में मिलाता है। सोशल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? सोसाइटी में लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ लिंक, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स। तो सोसाइटी में रिलेशनशिप्स लेकर आता है कौन? लेकर आता है रिलीजन, तो लेकर आता है। रिलीजन क्या है? रिलीजन है बेसिकली रिलेशनशिप अमंग द पीपल। रिलीजन क्या है? बेसिकली रिलेशनशिप अमंग द टू और मोर देन टू पीपल, व्हेन सम पीपल मैन और मैन, और मैन और सुपर नेचुरल पावर के बीच आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे सोशल रिलेशनशिप। तो रिलीजन सोशल रिलेशनशिप को करने के लिए, को एस्टैब्लिश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप ले सकते हो सोशल हेल्प। देखो रिलीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोसाइटी में लोगों की हेल्प करने के लिए। हमें पता है बहुत सारे रिलीजन के लोग लोगों को खाना भी देते हैं, लोगों को रहने के लिए घर भी देते हैं, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत हेल्प करते हैं। बहुत बार लंगर लगता है गुरुद्वारों में, आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प हो रही है, तो रिलीजन सोशल हेल्प भी करने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो रिलीजन काफ़ी बड़े हैं और जिसमें काफ़ी अमाउंट में पैसा इकट्ठा होता है, लोग दान देते हैं, उस पैसे का यूज़ करने के लिए बहुत बार पब्लिक पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता है। उस पर पैसे से सड़कें बनाई जाती हैं, उस पैसे से लोगों के लिए जो है वो शौचालय बनाए जाते हैं, लोगों के लिए जो है वो धर्मशालाएँ अर्थात सराएँ बनाई जाती हैं। तो आई मीन टू से दैट दिस रिलीजन आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और द फंक्शन ऑफ रिलीजन, सोशल फंक्शन ऑफ रिलीजन इज़ टू प्रोवाइड सोशल हेल्प टू पीपल। मैनी टाइम्स पीपल this religion provides the help to people in the form of helping the poor by providing them the food, helping the poor by providing them the shelter, many times with the help of amount that came in the name of religion that is used for construction of buildings for poor people, construction of dharmshalas, construction of many residential places। आप ये सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको रिलीजन के सोशल फंक्शन भी समझ आ गए होंगे मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।